एक्सीडेंट हो, कार वाला निकाल के ठोक के, और जो ठोका है ना उसके हाथ में गन है, गन वन मिले है। मैं ड्यूटी आ रहा देखे हूँ, सब में मेरी भीड़ लगे, जल्दी भेजा गंदा वाला ना, मुझे नंबर है ना। पास एक कार और मोटरसाइकिल के बीच में एक भिड़ंत हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गई मोटरसाइकिल, जिसमें एक लड़का है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी, और उसके गिरने के बाद उसके पॉकेट से एक नकली पिस्टल जो है गिर करके वहाँ पर रोड के पास पड़ा हुआ था। लड़के को तत्काल मौके पर रामपुर चौकी प्रभारी और मानिकपुर चौकी प्रभारी पहुंच करके उसको अस्पताल पहुंचाए, और जो भी आगे की कार्रवाई अब किया जाए। सर, प्रथम दृष्टया लोग वहां देखे तो क्या चर्चा बना हुआ था, और लोग क्या समझ रहे थे इस पिस्टल? प्रथम दृष्टया देखने पर लोगों को ये लग रहा था कि ये पिस्टल जो है ये असली है, बट वहाँ पर जाने के बाद मौके पर रामपुर चौकी प्रभारी के द्वारा जब उस पिस्टल का मुआयना किया गया तो वो पाया गया कि वो पिस्टल नकली पिस्टल था, उसने अपने किसी अन्यत्र कारणों से काम के लिए उसने रखा हुआ था। उससे अब तक कोई पूछताछ हो पाई क्या सर? नहीं, अभी उसका जो हालत है वो बहुत गंभीर है, अभी हम किसी प्रकार का उससे कोई पूछताछ नहीं कर पाए। ये हादसा किसके और किसके बीच हुआ है? मतलब एक मोटरसाइकिल और एक कार के बीच में भिड़ंत हुआ है, तो स्पीड में जा रही थी मोटरसाइकिल जिसमें वो लड़का चला रहा था, नाम अभी हम नहीं जान पाए हैं उसका, हालत बहुत गंभीर है। उसके होश आने पर उसका हॉस्पिटल में जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, पुलिस इस बिंदु पर पूछताछ करेगी कि हो सकता है उसके साथ कोई घटना को अंजाम दे सकता था? हाँ बिल्कुल, इस दिशा में भी उससे पूछताछ किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।